कल एक इंटरव्यू देखे हम संतोष रेणु यादव जी का, वो बोल रहे हैं कि गुंजन सिंह जी के का लड़ेंगे चुनाव, उनका तो टिकटे नहीं मिलेगा, चाहे देखते हैं क्या कुछ करेंगे उनको। संतोष रेणु यादव जी एक बात और बोल रहे हैं कि गुंजन सिंह जी हमें चश्मा लेकर भाग गए, इसमें क्या करिएगा। देख सकते हैं गुंजन भैया यहाँ पे हैं और फिलहाल निकल रहे हैं अपना स्टूडियो कार्यक्रम करने, और ये है भैया का घर, बहुत ही शानदार भव्य घर बनाया है। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जा रहे हैं भैया गुंजन सिंह का घर। पिछले वीडियो में मैं गुंजन सिंह का घर दिखाया था तो लगभग 13 लाख लोग देखे थे, लेकिन बहुत सारे उसमें कमेंट आया कि भैया उनका घर का फुल एड्रेस बताइए। तो अभी चलते हैं उनके घर की ओर। गुंजन सिंह जी से बात हो चुका है, उनसे तो जरूर मिलवाएंगे, उनके फैमिली मेम्बर से मिलवाएंगे, घर का फुल एड्रेस बताएंगे। अगर उनसे मिलना चाहते हैं, उनके घर जाना चाहते हैं, तो भैया इस वीडियो को देख करके एड्रेस निकाल के आप जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम पटना में मिठापुर हैं और ये रहा मेरा बाइक, और हम दोनों भाई लोग जा रहे हैं। तो भैया अभी रोडवा हो गया है जाम, ठीक है। मिठापुर से सीधा आ रहे थे और यहाँ पे उस पार में फोर्ड हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप नेट पे सर्च मार करके उसी के पास यहाँ से रुक जाना है, उसके बाद यहाँ से नीचे जाना है और नीचे से इधर से रूट एक जाती है अंदर, वहाँ चलना है। चलिए दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म, गुंजन सिंह जी के घर पे पहुंच चुका है। देख सकते हैं भैया गुंजन सिंह जी का घर है, 11 करोड़ रुपए का बनाया है भैया। और ये रहा गुंजन सिंह जी का फॉर्चूनर 555 गाड़ी नंबर। अभी गुंजन भैया से बात किए तो भैया घर पे ही हैं, चलिए इनसे मिलते हैं, उनसे फैमिली से लोग से मिलवाएंगे, उनका घर दिखाएंगे। और सबसे पहली बात दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत आप लोग का कमेंट आ रहा था तो भैया उनका घर का फुल एड्रेस बताइए। तो खेमनी चौक पटना, खेमनी चौक देव नगर कॉलोनी में उनका घर पड़ता है। और आप लोग रास्ता बता ही दिए, देखते देखते चलिएगा, फिलहाल चलते हैं उनके घर के अंदर। उनका भैया घर का बाहर का कुछ डिजाइन इस प्रकार का है, बहुत ही शानदार घर भव्य बनाया भैया। यह उनका फॉर्चूनर गाड़ी, और गाड़ी तो भैया 3-4 को रखे हैं, अंदर भी गाड़ी लगा हुआ है, सिंह हाउस। और ये देखिए डिजाइन घर का, ये देखिए घर का डिजाइन, क्या डिजाइन है इनका घर का। पूरा ब्लॉग मैं ऑलरेडी बना करके रखा हूँ, चैनल पर डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं इनके घर के अंदर। और एक देखिए एक और इधर लगा हुआ है भैया गाड़ी, स्कॉर्पियो, इधर कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं भैया। चलिए चलते हैं अंदर अंदर सीढ़ी के माध्यम से, और वहाँ पे लिफ्ट भी लगा हुआ है, आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं इनके घर में, लिफ्ट वगैरह हर चीज़ लगा हुआ है भाई। चलिए थर्ड फ्लोर पर बुलाया गया हमको। तो दोस्तों अभी हम अंदर आ चुके हैं भैया घर के, और देखिए घर का क्या डिजाइन है, बहुत ही शानदार। टीवी चल रहा है, इधर भैया बैठे हुए हैं। दोस्तों अभी भैया के घर आ चुके हैं, और घर आते ही देख सकते भैया सेवा पानी मिला है, चाय नाश्ता बिस्कुट बहुत कुछ। और इधर गुंजन भैया के बड़े भैया, दोस्तों देख सकते हैं भैया ये रहा नाश्ता, ठीक है। और भैया टीवी भी आराम से चल रहा है, गुंजन भैया का गाना बज रहा है, कुछ भैया लोग सब लोग आए हैं। और अभी गुंजन भैया फिलहाल फ्रेश होने गए हैं, नहाएंगे उसके बाद आएंगे। और घर का पूरा तो भैया टूर करा ही दिए हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों इंतजार हुआ खत्म, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ है गुंजन भैया। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई, बहुत बढ़िया। आज गए क्योंकि आज घर पे आए हैं, तुरंत जाए के बाद मीटिंग बा, फिर तुरंत रिकॉर्डिंग बा, चुनाव के लेकर के भैया टहल का मजा कर रखे हैं, पूरा शूटिंग बिजी चल रहा है, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं चुनाव में? पूर्ण तैयारी है, और पूरा तैयारी जनता कर चुकी है नवादा लोकसभा की, तो लोग के भी वहाँ जाए के चाहिए ना। हम लोग तो घूमेंगे भैया आपके साथ, हमेशा चलेंगे, बहुत जल्द एक दो दिन के अंदर आप भैया का नंबर ले लिए हैं, जहाँ जहाँ आप चलिएगा वहाँ हम लोग चलेंगे, वहाँ का रिव्यू डालेंगे लोगों को, जनता को पूछ करके। वहाँ का मेन है कि जा करके रिव्यू डालने से अच्छा रहेगा, लोग मेरे पक्ष में सारे लोग हैं, कहीं से कोई किंतु परंतु है नहीं, हम अपने क्षेत्र के लिए समर्पित हैं, मेरे खून का एक एक कतरा पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे नवादा लोकसभा के लिए। और नवादा मेरा घर है, तो इस बार बाहरियों का तो खैर नहीं है, चले। सही बात है। अच्छा भैया आप इतना अच्छा से जोरों शोर से मेहनत कर रहे हैं, लगन से, आपको लोग प्यार भी दे रहा है, बहुत देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं रैली कर रहे हैं, भीड़ अच्छा लग रहा है, कुछ लोग विरोधी लोग आपको ऊपर ब्लेम भी लगा रहे हैं। कल एक इंटरव्यू देखे हम संतोष रेणु यादव जी का, वो बोल रहे हैं कि गुंजन सिंह जी के का लड़ेंगे चुनाव, उनका तो टिकटे नहीं मिलेगा, चाहे देखते हैं क्या कुछ करेंगे, उनके ऊपर क्या कहिएगा? क्या इसे पक्ष कहेंगे, अब कहे वाला के कहे दा मुंह बा, चमड़ा के मुंह कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन मैं
किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सब जवाब जनता दे रही है और सब कमेंट्स में जवाब सबको मिल रहा है कि जितना कमेंट्स है सारा गुंजन सिंह जिंदाबाद है। हर जाति के लोग मेरे साथ हैं, कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। नवादा पे कोई विचार विमर्श बाहरी क्या करेगा, सही बात, कोई बातचीत नहीं करेगा। नवादा में क्या सब लोग नहीं है, सब एक से एक लोग हैं। संतोष रे यादव जी एक बात और बोल रहे हैं कि गुंजन सिंह जी हमारे चश्मा लेकर भाग गए, इस पे क्या करिएगा। जिनके पास इतना बड़ा महल घर 11 करोड़ रुपए के और झूठा ब्लेम लगा रहे हैं कि 3500 रुपए का हमारे चश्मा लेकर भाग गए हैं। अरे यार क्या इस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, छोड़िए भाई, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। हम लोग को अपना काम करना है, अपने काम पर ध्यान देना है। अरे सब छोटा मोटा विवाद में छोटा मोटा बात बोल के बोल नहीं दीजिए, जिस मुँह है अपना बोल, भेदभाव नहीं है, सब आगे बढ़िए, सब खुश रहिए। चलिए मेरी बातों से किसी को बुरा लगे तो सॉरी। चलो तो ये थे हमारे साथ गुंजन भैया, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना।